नवरसों से भरा यह शहर अपनी सभ्यता, अपने अतीत और अपने गौरवशाली परंपरा के साथ देखिए कैसे सर उठाए खड़ा। और अब मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर में। अजी मेरठ इसका नाम है, और मेरठ की तारीफ पे मैं क्या कहूं। अगर मेरठ 1857 की क्रांति के लिए मशहूर है, तो ये विश्व भर में खेल कूद के उपकरणों यानी स्पोर्टिंग इक्विपमेंट के लिए भी मशहूर है। अगर ये अपनी गज्जक और कैंचियों के लिए मशहूर है, तो पूरे विश्व भर में वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मशहूर है। अगर ये महाभारत के हस्तिनापुर के लिए मशहूर है, तो ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ गुजारे हैं। इसलिए मशहूर नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप जान गए, अब शायद मशहूर हो जाएगा। इस कड़ी में 1857 की क्रांति और शहीद मंगल पांडे के स्मारक में होगी मेरठ की शुरुआत। जानूंगा कैसे बनते हैं संगीत वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरठ की अनोखी संगीत कार्यशाला। जाऊंगा हस्तिनापुर जो थी महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी। इतिहास यहां पर रज रज के भरा। देखूंगा कैसे किया जा रहा है गंगा की सहायक नदी ईस्ट काली को पुनर्जीवित। अब हमने करीब 22 किलोमीटर नदी को उसका स्वरूप दे दिया है। जाऊंगा नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक सरधना चर्च में। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजर का स्वाद। खस्ता रेवड़ी बोलते हैं इसको। जाऊंगा इंडियन आर्मी के सबसे बड़े एनिमल ट्रेनिंग सेंटर में। एनिमल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब आरवीसी के अंदर। वीरभूमि मेरठ बिजनौर शहर से 73 किलोमीटर यानी 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरठ की यह धरती आज भी सुर्ख है 1857 की क्रांति और मंगल पांडे की हुंकार से। ये जो आजाद सपने आप और हम आज देखते हैं, यह आजादी जिसकी वजह से हम अपने सपनों को सच कर रहे हैं, यह आजादी हमें लाखों कुर्बानियों के बाद नसीब हुई है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आजादी का बिगुल इसी मेरठ की धरती से बजा था। माना जाता है कि प्रसिद्ध ओगरनाथ मंदिर से ही मंगल पांडे के दिल में आजाद होने की अलख जगी थी, और फिर शुरू हुआ था बगावत का वो शंखनाद जिससे हमें 1947 में आजादी मिली। 75 साल आजादी का जश्न इन शहीदों को शत शत नमन किए बिना अधूरा ही है। जाने कितनी शादियों में बजते बैंड पर हम सबके कदम थिरकते हैं। कहते हैं ना, सुर बिना ये जग सूना। और जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये संगीत की वो कार्यशाला है जो हमारे कदमों में थिरकन और होठों पर मुस्कान लाती है। अगर आप स्कूल गए हैं तो ये धुन आपने पक्का सुनी होगी। सुबह सुबह पीटी करते वक्त ड्रम के साथ में ये बजती है। मुझे बचपन से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक है, आज भी है। आज भी मेरे घर में पियानो है, गिटार है, ज़ाइलोफोन है, हारमोनिका है, और अब ये ट्रम्पेट भी होगा। ये ट्रम्पेट इसलिए क्योंकि यहाँ के बने ट्रम्पेट्स का इस्तेमाल इंडिया में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा ब्रिटेन की रॉयल नेवी, सऊदी अरेबिया के रॉयल गार्ड्स और यहाँ तक के US मरीन कोर के लोग भी करते हैं। तो जनाब ट्रम्पेट अब मेरी कलेक्शन में होगा। हाय फैज, सबसे पहले तो मुझे बताओ ट्रम्पेट मिलेगा ना मेरे को एक अच्छा वाला? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में US मरीन और ये बाहर के जितने भी आर्मी के जो यूनिट्स हैं ये यूज़ करती हैं? ये यूज़ करती हैं, US मरीन कॉर्प्स को भी हमने सप्लाई करा है, और जॉर्ज बुश उनके पर्सनल बैंड के लिए फैनफेयर ट्रम्पेट्स यहाँ से सप्लाई किए गए थे। वी हैव सप्लाइड दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू द बकिंघम पैलेस एज वेल, और किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए भी यहाँ से ट्रम्पेट्स गए हैं। तो क्या कारण है कि ये ट्रम्पेट सिर्फ आप ही बनाते हैं? ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेड है, और क्योंकि ये मेरठ में ही कंसंट्रेटेड रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिर्फ एक ही है इसका।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पंजाब से बंगाल तक अगर आप कहीं भी किसी भी बैंड को रोक कर उस पर देखेंगे तो उस पर मोहर आपको कंपनी की लगी मिलेगी। क्या बात है, ऐसी बात है। अच्छा, ट्रम्पेट्स में अलग अलग तरीके के ट्रम्पेट्स होते हैं, इनकी मैंने देखा है जो या जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला भी होता exactly. है। एग्जैक्टली, तो हाउ डू दे डिफर? बेसिकली तो दो तरह के हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं जो आप बता रहे थे, जैसे कि ये बाहर के जो हमारे आर्मीज में सप्लाई होते हैं वो लो पिच होते हैं। लो पिच होते हैं जी, और इंडिया के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ये होते हैं टूल्स के अंदर बच्चों के लिए भी और बैंड्स के अंदर शादी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट जाते हैं वो सारे हाई पिच होते हैं। हम लोग हाई पिच वाले हैं ना, चिंटू लेके आ चप्पल लेके, हम हाई पिच वाले हैं तो हमारे यहाँ वो हाई पिच इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये ट्रम्पेट एक इजी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ना? नहीं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर इट। अब लगता है उम्मीद है कि मैं सीख सकूंगा। आदमी जब सीखना चाहे तो क्या नहीं सीख सकता, और ये तो फिर ट्रम्पेट ही प्ले करने की बात है जो है। तो मैं एक बिगिनर हूँ तो विल यू प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए मेरी कि मैं चुन सकूँ कि मुझे कौन सा ट्रम्पेट लेके जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इनमें से सबसे मुश्किल सीखने वाला कौन सा आपके हिसाब से? वो स्लाइड ट्रम्बोन, वो देख के भी लगता है। वो सबसे इजी ट्रम्पेट है, सबसे इजी ट्रम्पेट है। ये एक्चुअल में ट्रेडिशनल चीज़ है ना, जो मतलब जिनका एक आवाज़ भी अलग है, जिनकी जिनका बजाने का अंदाज भी बहुत अलग है। अभी तो बहुत गंदा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 6 महीने के बाद वापस देखेंगे आप रग रग में गंगा सीजन 3 में। मैं आपको प्रोफेशनल ट्रम्पेट प्लेयर की तरह से नजर आऊंगा। बिल्कुल, आई एम रियली होपिंग कि मैं अगली बार जब आपके पास में आऊँ तो मैं ही चुनूं कि मुझे कौन सा चाहिए। कौन सा? एग्जैक्टली। थैंक्स अ लॉट। आगे है, जाऊंगा हस्तिनापुर जहां आज भी कौरवों और पांडवों के समय के खंडरों के अवशेष पाए जाते हैं। अगर महाभारत की माने तो द्रौपदी इस कुएं का पानी का सेवन किया करती है। देखूंगा ईस्ट काली जैसी सहायक नदियों को बचाने के प्रयासों। जब दोबारा आएंगे तो इसमें नदी में नहा सकते हैं। जानूंगा मेरठ की सबसे खूबसूरत सरधना चर्च का रोचक इतिहास। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजक और रेवड़ी का स्वाद। हस्तिनापुर। महाभारत में हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी थी, और महाभारत की जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी वो सब यहीं पर घटी थी। अगर महाभारत की माने तो द्रौपदी इस कुएं का पानी का सेवन किया करती थी, और यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि अभी कुछ दशकों पहले तक लोग इस पानी का इस्तेमाल चरम रोग के इलाज के लिए भी किया करते थे। कहा ना मैंने, हस्तिनापुर मतलब इतिहास। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। गंगा के पास स्थित यह हस्तिनापुर नगरी एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। इतिहास यहाँ पर रज रज के भरा। महाभारत में पांडवों और कौरवों की इसे राजधानी बताया गया। मेरे बचपन के कुछ साल मेरठ में जरूर निकले लेकिन यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिला। आज जब मौका मिला तो ये भी देखिए। हिंदू धर्म के अनुसार यही वो धरती है जहाँ न जाने कितनी ही बार भगवान कृष्ण ने पांव धरे हैं। मुझे बताया गया कि मान्यता है कि यहाँ जो ये मंदिर है यहां पर पांडव पूजा करने आया करते थे। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेरठ के नजदीक डॉक्टर रमन त्यागी की नीर फाउंडेशन ने गंगा की सहायक नदियों जैसे काली ईस्ट को फिर से जीवित करने का जो काम किया है वो एक मिसाल बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरठ में ये मैं आपको कहां ले आया। अजी, यही तो मेरी खासियत है और यही तो मेरा काम भी, बीच बीच में आपको वहाँ ले जाना जहाँ कभी कभी आपको होना चाहिए। आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है? सुनी है ना। तो क्या प्रकृति की भी वही कहानी नहीं है? दोनों हाथों से हमें देती है, खुले हाथों से देती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी लूटपाट उस पर मचा देते हैं वो देना बंद कर देती है। न जाने कितने पानी के ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं, तालाब नदियाँ, जो आज सूख गए हैं हमारे लालच की वजह से, हमारी अधूर दृष्टि की वजह से। लेकिन हम में से कुछ लोग आज दोबारा प्रकृति को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार।
क्या कार्य कर रहे हैं आप? हमारी नदियाँ दो तरह की हैं बेसिकली। एक तो पहाड़ी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से और जंगलों से बहती हैं, जैसे गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन जो छोटी नदियाँ हैं, जो इन बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ हैं और जिनको बरसाती नदियाँ कहा जाता है, तो जो बरसाती नदी है वो हमेशा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों से मिलकर बहती है, और उन छोटी नदियों का बहुत बड़ा रोल होता है बड़ी नदी को बनाने में। करेक्ट। नदियाँ क्यों मरी? छोटी नदियाँ इसलिए मरी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भूजल का दोहन किया, वाटर टेबल नीचे चला गया। ऐसे ही है जो काली ईस्ट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ, आप अब जो देख रहे हैं इस जमीन पर खेती होती थी। लेकिन जब हमने लोगों से बात की, नदी का उनको महत्व बताया कि नदी क्यों ज़रूरी है, तो लोगों ने स्वेच्छा से अपनी ज़मीन छोड़ दी और हमने फिर यहाँ नदी का स्वरूप उसको देना प्रारंभ किया है। अब हमने करीब 22 किलोमीटर नदी को उसका स्वरूप दे दिया है। हमारा लक्ष्य है कि इसको पूरी नदी को हम क्लीन करके इसको एक ऐसा देश में उदाहरण प्रस्तुत करें कि हाँ, छोटी नदियाँ, बरसाती नदियाँ भी पुनर्जीवित हो सकती हैं। तो आपने 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको खोदा और उसका रास्ता वापस बनाया नदी का? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बेसिकली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फरुखाबाद, कासगंज और कन्नौज में जाके गंगा में मिलती है। अगले एक साल में जब दोबारा आएंगे तो इसमें नदी में नहा सकते हैं। हम ऐसा इस नदी को बनाना चाहते हैं। देखिए कितने कमाल की बात होगी अगर नदी वापस जीवित हो जाए। अच्छा, आपने कहा कि लोग स्वेच्छा से अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हुए थे, तो क्या मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना? एक व्यक्ति हैं यहाँ, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं जी, ये उन्हीं की ज़मीन थी पूरी जी। तो पहले सबसे पहले उन्हीं को कन्विंस किया मैंने। नमस्कार जी। नमस्ते। ये इतना बड़ा उदाहरण है आप सबके लिए। मुश्किल तो होगी, घर वालों ने बोला तो होगा कि तुम क्या कर रहे हो यार, जमीन छोड़ रहे हो अपनी? बहुत मारा सर। है ना, मारा ना, बट आपने उनको बनाया कैसे? हिम्मत के साथ लगा रहा। एक्चुअल क्या था, 1992 में मुझसे ही गलती हुई थी ये। अच्छा। बंद करके ये चलता था पानी यहाँ पे, और उसके बंद करने के बाद बस सब कुछ तहस नहस हो गया जी। तब 2018 में रमन जी मिले, इनसे बात हुई, मैंने कहा करो, मैं छोड़ूंगा जमीन सबसे पहले। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। आई मीन ऐसे लोग अगर मिल जाए तो फिर तो मतलब कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं। अपना नाम बताइए, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं अंतवाड़ा गांव से हूँ। जब किसी काम की भावना उत्तम हो और लगन बेमिसाल हो तो परिणाम भी उत्तम ही आता है। इसी मेहनत, त्याग और प्रयास को मेरा नमन। सरधना चर्च 1819 से 1821 के बीच बेगम सम्ब्रू ने यह चर्च बनवाया था। कहा जाता है कि यह उत्तरी भारत के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि मुझ पर किसी ना किसी की कृपा होगी, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां विभिन्न धर्मों के आस्था घर में जाने का मुझे मौका मिलता है। मैं ठहरा करमवीर, मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर मुझ पर किसी की कृपा होगी तो वो आपकी होगी। खैर, आज मैं मेरठ के ऐतिहासिक सरधना चर्च में हूं। इसके इतिहास और इसकी मान्यता के बारे में बताने के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर पाठक। हाय सर। हाय राजीव। अब क्या खासियत है इसकी, कितने पुराना चर्च है और इसकी क्या मान्यता है? ये देखिए, सबसे बड़ा चर्च है जी, और बेगम सम्ब्रू एक रिमार्केबल कैरेक्टर है भारतीय इतिहास की। अगर उस दौरान देखा जाए, मुगल काल से लेके अंग्रेजों के शासन तक की, उसमें कोई और नारी ऐसी नहीं है जो 1857 से पहले जो उतनी शक्तिशाली उभर के निकले जैसी बेगम सम्ब्रू। उन्होंने शादी करी थी एक लग्जमबर्ग के मर्सिनरी से। अच्छा। और उससे उनका टाइटल सोम्ब्रे से सम्ब्रू, तो बेगम सम्ब्रू बन गई जी। कोठे पर से शादी की थी, तो उनका जीवन शुरू होता है एक नाचने वाली से। हाँ। और वहाँ से उठ के वो रानी बनी। बेगम सम्ब्रू ने जो अपना साम्राज्य बनाया उसके अंदर सरधना उनकी कैप्टन है। आइए चलते हैं अंदर। बिल्कुल आइए। मार्बल पर बनाई प्रतिमाएं हो या चर्च में आती रोशनी, सभी कुछ मन को मोहने वाला है। ये जो रिमार्केबल स्टैचू है, हाँ, ये इटली में वन ऑफ द लीडिंग इटालियन आर्टिस्ट ने क्राफ्ट की थी, और उसके बाद फ्रॉम इटली शिप की गई और उसके बाद यहाँ लाके सरधना में एस्टेब्लिश की गई। और इसमें बेगम सम्ब्रू ऊपर बैठी हैं। बेसिकली दिस इज द बरियल ऑफ एंड मेमोरियल टू बेगम सम्ब्रू। इसमें इंटरेस्टिंग आप देखिए, हाइट ऑफ द लेडी, she was only 4 feet 9 inches. What a remarkable lady. मतलब every negative aspect of life and she overpowered to become the most powerful lady. इतिहास में देखिए कद उनका कितना बड़ा है। इसका प्लास्टर वर्क देखिए, इसका उनको रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। डोर्स, विंडोज, ऑल
और ओरिजिनल। क्या कहूँ, शब्द नहीं होते जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा सुनते हैं तो कि यार वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई, कहो टेक्नोलॉजी, जबकि हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। किसी भी शहर की शख्सियत समझने का रास्ता क्या आप जानते हैं, पेट से होकर जाता है। मेरठ अपनी गजक और रेडियो के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कितनी पुरानी दुकान है? 1904 से, 1904 से है ये शॉप। इट्स बीन 116 इयर्स ऑलमोस्ट। 116 साल पुरानी दुकान है भाई साहब। अच्छा ये बताओ, दिमाग में हमेशा एक या दो वैरायटी होती थी, इतनी सारी वैरायटी कैसे हो सकती है? ये एक्चुअली ओवर द इयर्स डेवलप हुई है। अच्छा। पहले इनिशियली सिर्फ लड्डू वाली गजक बनती थी। तो ये बेसिकली जो इंग्रेडिएंट है वो गुड़ ही है सब में? हाँ, सब में गुड़ है, सिर्फ एक आध वेरियंट शुगर का होता है। और रेवड़ी भी बहुत फेमस होती है, और मैंने सुना आपकी रेवड़ी है कोई एक है जो जिसकी एक रेसिपी बहुत डिफरेंट है। खस्ता रेवड़ी उसको हम बोलते हैं जी। और जो मेरे परदादा जी थे, he was the inventor of रेवड़ी, खस्ता रेवड़ी। इन्वेंटर ऑफ रेवड़ी, मतलब रेवड़ी बनाई उन्होंने? उन्होंने इन्वेंट की थी रेवड़ी। अरे इतना बड़ा तोहफा आपने हम इंसान लोगों को दिया है। तो बताइए कहाँ से शुरू करूँ, बातें तो बहुत हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको टेस्ट कराऊंगा रेवड़ी, खस्ता रेवड़ी। इसको खस्ता रेवड़ी बोलते हैं, इसको स्पेशल मसाले मिलाए जाते हैं जो हमारी फैमिली रेसिपी है, जो हम किसी को नहीं देते। एक्चुअली बहुत टेस्टी है, बिकॉज थैंक यू सर, मैंने रेवड़ियाँ बहुत खाई हैं। कुछ बात है इसकी अलग से, दिस इज बेसिकली मिठाई विद हेल्थ बेनिफिट्स। मिठाई विद हेल्थ बेनिफिट्स, कभी सुना है आपने? इसके बाद ये आते हैं सारे गजक के वेरिएंट्स। ये सब अलग अलग हैं जी? जी सब। अरे बाप रे, 11 वेरिएंट्स। कमाल है, बहुत टेस्टी है। ये भी एक ऐसा आइटम है जो सिर्फ मेरठ में ही बनता है, दिस इज कॉल्ड तिल बुग्गा। ये कुटे हुए तिल से बनता है, वो बच्चा कूट रहा है ना तिल को, कूट के और बर्फी मावा मिला के तब बनाया जाता है। मेरठ आओ तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है गजक और रेवड़ी की। थैंक यू सर, रियली नाइस, वेरी नाइस। मैं हमेशा कहता हूँ एक्टर होने का, होस्ट होने के ये फायदे हैं, आपको कमाल की चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। सर थोड़े से नुकसान भी, आप इतना सा खा पाते हैं। ये बात भी करेक्ट बोले, बिल्कुल। आगे है एक यादगार मुलाकात इंडियन आर्मी के साइलेंट सोल्जर्स के साथ। इंडियन आर्मी के प्रसिद्ध आरवीसी यानी रिमाउंट वेटरनरी कोर, जहां पर मेरा स्वागत शाही अंदाज में हुआ। मुझे आर्मी की उस बग्गी में बिठाया गया जिसका उपयोग कुछ खास अफसरों पर ही हुआ। मेरठ में आरबीसी का सबसे बड़ा सेंटर है, इसे कहते हैं रॉयल वेलकम। इंडियन आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर अपने घोड़ों और कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मेरठ में आरबीसी का सेंटर है। आप जानते हैं बचपन में जब मैं मेरठ में था तो यहां पर घुड़सवारी के लिए आया करता था, तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मेरा स्वागत यहाँ पे इतने राजसी अंदाज में होगा। हाय सर। राजीव, वेलकम टू आरवी सेंटर। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू फॉर दिस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। दिस इज द प्राइड ऑफ आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज, आई मस्ट से। नाउ अच्छा सर, आरवीसी का रोल क्या है? इन बहुत से लोगों को इंडियन आर्मी के बारे में मालूम है, लेकिन आरवीसी के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होगी। रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर भारतीय सेना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विसेज में से है। आरवीसी की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 1929 से है। अच्छा। 1929 से पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स वेटरनरी ऑफिसर्स हुआ करते थे और इंडियन जो सोल्जर्स हुआ करते थे सर। उसके बाद 1948 से जो प्रेजेंट सेटअप है आरवीसी का वो डेवलप हुआ इंडिपेंडेंस के बाद से। और आरवीसी बेसिकली एनिमल्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब आरवीसी के अंदर, जैसे कि जो एनिमल्स हॉर्सेस म्यूल्स डॉग्स उनका ब्रीडिंग रियरिंग ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। हॉर्सेस और म्यूल्स जो कि डिप्लॉय होते हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में एम्यूनेशन ले जाने के लिए, राशन ले जाने के लिए, हायर पोस्ट के ऊपर, कम से कम 8 अलग अलग स्पेशलिटीज़ के डॉग्स ब्रीड और ट्रेन होते हैं, जिसके अंदर कि आपने सबसे लेटेस्ट एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस डॉग्स, माइन डिटेक्शन डॉग्स, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स, जो कि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और वैली उसके अंदर पिछले करीब 20 साल से बखूबी काम कर रहे हैं और फोर्स मल्टीप्लायर का रोल कर रहे हैं। और जितने भी इंडियन आर्मी में डॉग्स इशू होते हैं वो मेरठ से ही होते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो मुझे ना ये इस एक्सपीरियंस के लिए, और एक चीज़ मुझे आपसे और रिक्वेस्ट करनी है। मैं ना बचपन में राइडिंग यहाँ करता था, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी वो राइडिंग का एक्सपीरियंस एक बार फिर से जी सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम मानसी द्वार के ऊपर हैं, ये डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी का गेट है। मानसी द्वार ये एक डॉग के नाम पर बनाया गया है जी,
जो कि एक ऑपरेशन के दौरान जेएनके के अंदर डॉग शहीद हो गया। क्या बात है, फैंटास्टिक। प्लीज कम। थैंक यू सर। दुश्मन को सूंघ कर उसका काम तमाम कर देना, भागते हुए उसे ऐसे पकड़ लेना कि वो लाख कोशिशों के बाद भी उस गिरफ्त से निकल ना पाए। ये जो है मेलिनोइस पप्स, ये असॉल्ट डॉग्स के लिए जाने जाते हैं। असॉल्ट डॉग्स। ओह लवली। आफ्टर से अबाउट अ ईयर दे विल बी फ्रेशियस। अच्छा। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कराई जाती है। मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जब ट्रेडमिल के ऊपर खड़ो के सिर्फ घड़ी देखा करते रहे कब 20 मिनट निकलेंगे। थक गए भाई साहब, थक गए। आपको और देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देना, ये हैं वो साइलेंट सोल्जर्स जो हमारे जांबाज प्रहरी हैं। हमें एक्चुअल में लग रहा है कि आर्मी के जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे प्यारा स्वागत कभी नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। मैं इतना बड़ा डॉग लवर नहीं था, अभी अभी कन्वर्ट हुआ। अभी आपको मधोल हाउंड नाम की ब्रीड जो हमने यहाँ पर ट्रेन करी है जी। जो कर्नाटका की बेसिकली एक ब्रीड है, ज्यादातर यूज सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान काफी होता है। प्रधानमंत्री के इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देने के नाम पर हमने इन ब्रीड्स को यहाँ पर लाया है। अभी आपने मुदोल हाउंड देखा, हमारे पास में राजा पल्लयम, उसके अलावा चिपी पराई और कोम्बाई ब्रीड। आत्मनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। Now we'll show you another indigenous breed, same Madhol hound, different dog. Fantastic. ये height तकरीबन 165 सेंटीमीटर है, जो कि घोड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। यहाँ पर आर्मी एक्वेस्टेरियन नोड है, जहाँ राइडर्स को ओलंपिक, एशियन गेम्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ इतने सारे घोड़े हैं और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो। मुझे तो घोड़ों से नज़दीक नहीं गया मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे घोड़े ऐसी जानवर है जिसकी स्मेल से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उसकी उसकी पॉटी से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उसकी थूक से तकलीफ नहीं होती है। एंड आई मीन बिकॉज आई हैव ग्रोन अप ऑफ कोर्स राइडिंग हॉर्सेज एंड व्हाटएवर। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पूरे इंडिया के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री और इवन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान आते हैं हमारे पास ट्रेन होने के लिए। घोड़े के ऊपर जब भी कभी बैठे हैं तो ये सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन की यादें ताजा हो गई, कमाल का होता ना है बचपन, बचपन के दोस्त, बचपन की यादें, बचपन का वो स्कूल, बचपन की वो बातें कभी नहीं भूलती। और शायद इसीलिए बचपन को हम इतने याद करते हैं, शायद वो मासूमियत होगी जो कभी भी हमारे जहन से जाती ही नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, अगर आप बचपन के किसी शौक का हाथ नहीं छोड़ेंगे ना तो बचपन भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त को चकमा देकर भी आपके साथ हमेशा जीवित रहेगा। यकीन मानिए ये बचपन आपके आज में हर वक्त शरीक रहेगा। तो मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपने यादों के खजानों में से कुछ बचपन की अनमोल अशर्फियाँ चुरा लाएंगे और अपने पे खर्चेंगे। यकीन मानिए मालामाल हो जाएंगे जैसे आज मैं हुआ। चला।